तो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में वेक्टर लेक्चर में लेक्चर नंबर में जो कि होने वाला है लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर बच्चों लगभग हर टाइप के बोलते हैं ना क्वेश्चन हम कवर किए हैं कुछ टॉपिक और बाकी है जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे स्केलर ट्रिपल वाले किए थे डॉट प्रोडक्ट सब कर दिए थे आज हम लोग थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरलोग्राम ये सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं एंड हमने जो क्वेश्चंस लिया हुआ है वो क्यूँ लिया है मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों सो गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गाइज गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को सभी को सभी का स्वागत है यहां पर एक बार फिर से इस चैनल पर जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं विक्टर ये चैप्टर है वाओ चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे देवी और सज्जनों यस yes. मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का सवाल क्या लिखा है अच्छा आया ही नहीं सबका ध्यान यहां पर पैरलो पीपेड बोलो कौन सा पीपेड पार्लो पीपेड इसके हमारे पास तीन एजेस दिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम तो आप सभी को पता है बच्चो वॉल्यूम क्या होता है इसका डिटरमेंट यस यस सर है कि नहीं जी हाँ वॉल्यूम क्या होता है बेटा डायरेक्टली डायरेक्टली करो बिकॉज हम नॉर्मली जो लेते हैं वहां आई जे और के, के कोई लेते हैं देखो डायरेक्टली में आंसर आता है क्या ए के बाजू में वन बी के बाजू में वन सी मिसिंग तो जीरो दूसरे वाले में बी प्लस सी है मतलब ए मिसिंग है बी और सी है तो बी और सी के बाजू का को इफिशियंट क्या है बच्चों वन वन फिर सी और ए मिसिंग है तो ए के बाजू में वन सी के बाजू में वन बी मिसिंग जीरो और बाजू में लिख दो ए बार बी बार सी बार चलो ए बार बी बार एंड सी बार तो बोलो वन लिया हमने रो गया कॉलम गया one वन जा वन माइनस तो जीरो वन माइनस जीरो फिर माइनस वन लिया बच्चों रो गया कॉलम गया जीरो इंटू वन जीरो माइनस वन जा वन फिर तो तो जीरो जीरो बिकॉज देखो ना ये वन लिया रो गया कॉलम गया बोलो one वन वन झा वन माइनस वन इंटू जीरो जीरो फिर ये वन लिया बच्चों हमने रो गया कॉलम गया बोलो जीरो इन टू वन इज जीरो प्लस जीरो हो गया आपका ए बार बी बार सी बार बोलो वन माइनस जीरो क्या होता है दोस्तों वन वन इंटू वन इज वन जीरो माइनस वन क्या होता है माइनस वन माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन में क्या तो प्लस वन वाओ ए बार बी बार सी बार बोलो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू चलो बोलो ये आंसर है क्या बच्चों जी हाँ टू में एक ही नंबर है दैट इज इज डी डी सो द करेक्ट आंसर देख लो बच्चों कुछ लोग क्या करते हैं मैं बता रहा पे इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको पता है को टर्मिनस एजेस है तो ए बार प्लस बी बार बी बार प्लस सी बार सी बार प्लस ए बार मतलब ए बार प्लस बी बार डॉट बार प्लस C बार क्रॉस C बार प्लस A बार मतलब कुछ लोग इस तरीके से लेके सॉल्व करते हैं मतलब पहले इनका क्रॉस करते हैं बाद में जो भी आता है ए बार प्लस बी बार के साथ में डॉट करते हैं. वहां से भी आंसर आता लेकिन आप मुझे बताओ सबसे बेस्ट क्या ये शॉर्टकट मेथड है बच्चों तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड चलो जल्दी बोलो क्लियर है क्या सबको बच्चों जल्दी फटाफट रिप्लाई करो सभी का आंसर डी आया हा याना हा या ना जल्दी बच्चा फटाफट कहा गए सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया क्वेश्चन चलो आगे बढ़े वेरी नाइस दो 2025 के लिए हाँ 2025 के लिए बैच आएगी अभी 2025 तो होने दो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार अब जिनको पता है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, अगर वो एडजेंट साइड से बच्चों, एरिया ऑफ पैरोग्राम क्या होता है बात समझो राइट right ना जो ये आपके डायगनल्स हैं तो डायगनल्स का यूज करके हम एरिया ऑफ पैरलोग्राम निकाल सकते हैं तो एरिया ऑफ पैरोग्राम ये हो जाएगा ऑफ या जिसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बार क्रॉस बी देखा बच्चों आपने बिकॉज डायगनल्स है अगर ये एडजेसेंट साइड होते हैं, हम क्या लेते हैं सिर्फ और सिर्फ साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेकिन डायगनल्स वाले में फॉर्मुले में क्या होता है बेटा हाफ डायगनल्स वाले के फॉर्मुले में क्या होता है बेटा हाफ चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ना यहां पर ए बार क्रॉस बी बार निकाल लेते हैं अब वो तो पता ही ना क्रॉस कैसे निकालने का i j और k बोलो a के बाजू में क्या है थ्री माइनस वन माइनस टू अच्छा बहुत ध्यान से देखना बोलो i के बाजू में कौन थ्री j के बाजू में कौन माइनस वन के के बाजू में माइनस टू फिर बोलो b बार माइनस वन फिर प्लस थ्री फिर माइनस थ्री चलो आ गया रो गया कॉलम गया माइनस वन इंटू माइनस थ्री बेटा प्लस थ्री के लिए रो गया कॉलम गया थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन देख लो सब लोग आई के लिए रो गया कॉलम गया माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री थ्री टू झा माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स होता है माइनस जे कॉपी किया रो गया कॉलम गया थ्री थ्री माइनस नाइन माइनस टू माइनस टू इंटू माइनस नौ नाइन आई माइनस नाइन माइनस टू इज माइनस इलेवन माइनस इलेवन इंटू माइनस जे इज प्लस इलेवन जे यस प्लस एट के देख लो ये हमें आ गया बट जो हमें वैल्यू निकालनी हो क्या करना है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यस स्क्वायर रूट ऑफ नाइन का स्क्वायर एटी वन इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर। बोलो एक एक दो दो चार छ आठ नौ दस दस और छोला का कह रही गया वन टू सिक्सटी सिक्स बराबर है क्या यस बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर मेरा आंसर बी आया यस yes. बाकी लोग क्या बोलते हैं यस yes, मेरे प्यारे बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर और किसी का बी आया क्या यस yes. ये 2021 में आया वो क्वेश्चन है बच्चों ये 2021 में बच्चों बताओ बाकी लोग का भी बी आया वेरी गुड देखो तो ये अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का भी आंसर आ रहा है बहुत बड़ी बात है यार थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों सबको समझा क्या जल्दी बोलो फटाफट दोनों क्वेश्चन यस परफेक्ट चलो बहुत बढ़िया अगला सवाल द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रन हैविंग वर्टाइसेस बच्चों हमारे पास चार वर्टेक्स दिए हैं और उसका वॉल्यूम दिया इलेवन देन फाइन लैमड़ा की वैल्यू देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दो हजार बाईस है देख लो सब लोग 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमारे पास यहाँ पर चार पॉइंट नहीं है एक काम करो उसको ए बोल दो इसको बी बोल दो इसको सी बोल दो इसको डी बोल दो तो अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो ए बी बार बिकॉज चार पॉइंट से तीन वेक्टर निकालेंगे फिर AC बार फिर AD बार समझ गए चलो ए बी बार कैसे आएगा बच्चों? बी बार माइनस ए बार माइनस वन माइनस वन इज माइनस टू वाई माइनस वाई माइनस थ्री माइनस माइनस सिक्स बच्चो माइनस थ्री माइनस माइनस सिक्स इज वॉट प्लस सिक्स माइनस थ्री माइनस माइनस सिक्स बोलो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स तो प्लस सिक्स माइनस थ्री का मीनिंग यहां पे क्या हो जाएगा प्लस थ्री बराबर है

लेमड़ा माइनस टेन फिर बच्चों ए डी बार तो डी बार माइनस ए बार होता है वॉट इज एडी बार ये सब हमने किया हुआ है वॉट इज एडी बार सर डी बार माइनस ए बार सर डी बार माइनस ए बार चलो बहुत बढ़िया ओके okay. तो कैसे करने का सेवन माइनस वन इज सिक्स माइनस फोर माइनस माइनस सिक्स मतलब प्लस सिक्स

वहां गया इलेवन सिक्सटी सिक्स और यहां पे क्या आएगा डिटर्मिनेट ऑफ ए बी बार एसी बार एस टू थ्री माइनस थ्री नेक्स्ट एसी बार फोर फाइव लैमड़ा माइनस टेन सिक्स टू माइनस थ्री बराबर ये देखो आ गया अब इसको सॉल्व करते हैं को सोल्व करते हैं बेटा मैंने माइनस टू लिया इसका रो कॉलम फिर टू इंटू माइनस किया माइनस टू का मल्टीप्लाई में करेंगे होगा हमने माइनस थ्री लिया बच्चों रो एंड कॉलम गया बोलो फोर थ्री माइनस ट्वेल्व ध्यान सब लोग रो गया कॉलम गया 12. फिर 6 का से पहले देखते हैं किसका आंसर आया हिमांशु ने ए बोला है क्या बात है हिमांशु Guys, आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस वेक्टर का इसके बाद मैं लाइन प्लेन स्टार्ट करूंगा राइट right.

ट्वेंटी टू लेकिन की वैल्यू क्या आएगी सेवन क्या सेवन आंसर में है यस yes. कई सारे बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों यस गाइस ए इज द करेक्ट आंसर क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों Hello 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 आगे तो बढ़ते हैं इज द करेक्ट आंसर यस वेरी नाइस यस बेटा नेहा व्याग मारे आपने कहा था मुझे पता है hmm. देखो सब लोग ऐसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं लेंदी क्वेश्चन आपका समय बर्बाद करने के लिए

तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ए बार इसको बी बार सी बार एकदम ध्यान से देखो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विध वर्ट से हमारे पास तीन वर्टेक्स है तीन पॉइंट है और उनका वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दी गई है बट जब कभी भी तीन वर्टेक्स होते हैं तो आप दो साइड बनाते हो अगर आपने ए को पकड़ा तो ए बी बार और ए सी बार निकालोगे बी को पकड़ा तो बी ए बार बी सी बार निकालोगे और सी को पकड़ा तो सी ए बार सी बी बार चलो हम क्या निकालते हैं ए बी बार एंड ए सी बार ए बी बार क्या हो जाएगा बच्चों बी बार माइनस आई बार मतलब बी बार माइनस ए बार आई प्लस टू के माइनस आई प्लस वाई जे सही है ना चलो हो जाएगा आई प्लस टू के माइनस आई माइनस वाई जे सही है प्लस आई माइनस आई कैंसल तो फाइनली ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों पहले हम जे लिखेंगे माइनस वाई जे फिर प्लस टू के चलो ए बी बार आ गया अब बात निकालते हैं ए सी बार इज बार सर सी बार माइनस ए बार बिकॉज ए बी बार क्या होगा पी बार माइनस ए बार तो उसी हिसाब से आपका ए सी बार क्या हो जाएगा बच्चों सी बार माइनस ए बार वॉट इज सी बारे प्लस के वॉट इज द ए बार आई प्लस वाई जे तो ब्रैकेट ओपन करो थ्री आई प्लस के यहाँ माइनस माइनस आई माइनस वाई जे थ्री आई माइनस आई इज टू आई फिर माइनस वाई जे फिर यह हो जाएगा प्लस के तो बच्चों आपने बार एंड एसी बार निकाल दिया है अब आपको पता है कि अगर दो एडजस्टेंट साइड दिए गए होते हैं तो उसके एरिया ऑफ ऑफ क्या होता है two, बहुत ध्यान से क्रॉस प्रोडक्ट बी बार एंड एसी बार तो पहले आप क्या निकालो ए बी बार क्रॉस ए सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट वो कैसे आएगा सर आई जे एन के फिर बच्चों ए बी बार की वैल्यू क्या है जीरो बिकॉज आई मिसिंग है फिर माइनस वाई फिर के के प्लेस पे टू वैसे ही एसी बार क्या हो जाएगा टू माइनस वन एंड वन देखा आप सभी ने नहीं वाई है। टू माइनस वाई प्लस वन मैंने आई लिया रो गया कॉलम गया माइनस वन इंटू वाई माइनस आई, माइनस टू इंटू माइनस वाई इज वॉट प्लस टू वाई देखो सही है ना माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन वाईज माइनस वाई टू इंटू वाई टू वाय माइनस माइनस प्लस

हमने यहां पे क्या निकाला सर ए बी बार क्रॉस एसी बार की वैल्यू अब यहां आ जाओ हमें तो बोला है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज रूट सिक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू वन अपॉन सॉरी रूट सिक्स टू उधर भेज दो तो बोलो क्या हो जाएगा एक बात और टू को उधर भेजा क्या तु तु गा गा? तो क्या आएगा बच्चों टू टाइम्स ऑफ रूट सिक्स ना टू को उधर भेजा तो कैसे निकालेंगे फोर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर सही है वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर फोर का हो जाएगा सिक्सटीन टू का टू वाई का हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर ठीक है फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइव स्क्वायर प्लस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है बच्चों और जो भी आएगा मेरे वाई की वैल्यू होगी जैसे अब जैसे फाइव आई स्क्वायर प्लसटीन इक्वल टू बोलो टू का स्क्वायर फोर रूट सिक्स का स्क्वायर होगा सिक्स तो फोर सिक्स कितना होगा जल्दी बोलो बच्चों फोर सिक्स ट्वेंटी फोर क्या बात है फोर सिक्स ट्वेंटी फोर वाह

सगले अपना तो चेक कर लेता हूं एसी एसी क्या हो गया बेटा सी बार माइनस ए बार तो थ्री जे प्लस के आई प्लस वाई जे बरोबर है तो अच्छा हाँ 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 ये मैंने गलती किया ओके ओके बच्चों रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक मिनट अभी आंसर आ ही नहीं रहा था <laughs> रुक जाओ एक मिनट बच्चों यहां पर हमने थोड़ा सा गलती से जे लिखने के बजाय आई लिख दिया तो थ्री जे है यहां पे प्लस के देन आ माइनस आई प्लस वाई जे सही है ये आपका हो जाएगा क्या आई कहां पर है देखो यहां पर है माइनस आई फिर थ्री जे माइनस वाई जे प्लस थ्री माइनस वाई इंटू जे प्लस के अब बराबर बच्चों यस yes? चलो ए बी क्रॉस ए सी बार देखो यहां पे देखो प्लीज आई जे के बोलो ऊपर वाले में क्या है आई मिसिंग है तो जीरो फिर माइनस वाई फिर टू नीचे में माइनस वन थ्री माइनस वाई फिर वन और जो क्लियर है क्या है? ये यस अभी परफेक्ट है क्या सब लोग बोलो किसी का आंसर आया इसमें अच्छा गणेश नमस्कार मैंने कहा था कि थ्री जी है हाँ बेटा ठीक है मैं ध्यान नहीं दिया बिकॉज आप लोग के चैट्स देखूंगा तो फिर uh, क्वेश्चन लूंगा चलो थैंक यू थैंक यू ओके नाउ आई लिया रो गया कॉलम गया माइनस वन इंटू वाई इज माइनस वाई अभी इसका मल्टीप्लाई करते माइनस जे गया कॉलम क्या जीरो इंटू वन इज जीरो माइनस माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा प्लस के के लिए रो गया कॉलम गया

माइनस टू इंटू कॉपी किया माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स माइनस टू इंटू माइनस वाईज प्लस टू आई अभी जीरो प्लस टू इज टू माइनस टू जे जीरो माइनस वाई इज माइनस वाई माइनस वाई के करेक्ट है बच्चों ये यस आप लोग मेरे साथ सॉल्व करो हाँ जी हाँ बराबर टू वाय माइनस वाई इज वाय माइनस सिक्स इंटू आई फिर हो जाएगा माइनस टू जे माइनस वाई के तो मेरे पास ए बी बार क्रॉस ए सी बार आ चुका है बट अपने को तो बोला है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ये 2022 में क्वेश्चन आया था जान बुझ उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए सो देंदी हो जाए यस yes. ओके okay. चलो अभी हम क्या लेंगे एरिया एरिया ऑफ ऑफ सर कितना दिया हमें यहां पे दिया रूट सिक्स और एरिया ऑफ हाफ ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार तो बोलो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ व्हाट इज ए बी बार क्रॉस ए सी बार का मैग्नीट्यूड एक काम करो टू को वहां भेज दो बिकॉज टू वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ रूट सिक्सो y माइनस सिक्स का स्क्वायर क्या होता है सर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर एंड माइनस वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर करो बराबर क्या यस अब सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू

का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने माइनस सिक्स आए यस यस वो बो जल्दी बोलो किसी का आंसर आए क्या हालो 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 दो हजार बाईस में आया क्वेश्चन है मिनट यार चार प्लस नहीं किया कहां पर बेटा चार प्लस किधर कि नहीं किया क्या हो गया इस क्वेश्चन में इतना सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है ऐसा कैसा एक बार चेक बच्चों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें तो पता ही है पहले हम क्या निकालेंगे ए बी बार क्रॉस एसी बार बोलो क्या मिला मुझे वाई माइनस सिक्स आई माइनस टू जे माइनस वाई के करेक्ट है यहां तक तो करेक्ट है यहां करेक्ट है फिर यहां देखते हम लोग चलेगा यस तो जब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया तो बोलो क्या आएगा बच्चों अच्छा हाँ यस 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 ये नहीं, नहीं, उधर भेज दिया ये फोर अच्छा, को नहीं लिया यस ये फोर हमने नहीं लिया अरे रे 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 कोई बात नहीं थर्टी सिक्स प्लस फोर इज फोर्टी ये हो गया फोर्टी अब हो जाएगा टू वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई ट्वेंटी फोर इधर है बच्चों फोर्टी माइनस ट्वेंटी फोर क्या होता है सर जी हाँ ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टी करेंगे तो आंसर होगा लगभग में से एक सोलह करेक्ट टू से निकाल टू से सबको डिवाइड कर दो वाई स्क्वायर माइनस टू सिक्स ट्वेल्व टू एट सिक्सटीन बच्चो एट का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने पे माइनस सिक्स आए माइनस फोर माइनस टू So, y माइनस फोर वाई माइनस टू सो वाई टू प्लस टू वाईक्वल टू प्लस फोर क्या पूछा इसने वैल्यूज ऑफ y टू कॉम सी इज द करेक्टर थर्टी सिक्स प्लस फोर ठीक है थर्टी सिक्स प्लस फोर इज फोर्टी होता है कभी कभी क्या होता है सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं भाई सॉरी इसका कहीं सोल्यूशन नहीं है हमारे पास <laughs> ठीक है फोर एंड टू इज द करेक्ट आंसर क्या बोलते हैं बच्चे लोग यस yes. यस yes, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से रिप्लाई कर दो हेलो 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 बेटा हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए आप अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो Ciao. Allora. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जो सभी लोग यहां पे अगला सवाल अगला सवाल क्या दिया अच्छा अच्छा है इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ ए बार अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ ए बार एंड बी बार हैज सॉरी विथ इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ ए बार एंड बी बार है टू एडिस्टेंट साइट इज 15 स्क्वायर यूनिट्स अभी आप सभी को पता है कि किसी भी पैरलोग्राम का एरिया क्या होता है बॉक्स अगर एडजेसेंट साइड दी गई हो तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर विच इज इक्वल टू 15 बिकॉज एरिया ऑफ द पैरलोग्राम क्या हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड बिकॉज उसके एडजेसेंट साइड्स कौन है ए बार एंड बी बार तो ये हमें दिया गया है फिर क्या बोला है एरिया ऑफ द पैरलोग्राम हैविंग मुझे क्या निकालना है area of parallelogram. बोलो क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान थ्री ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस थ्री बी बार का मैग्नीट्यूड बच्चों यही है करेक्ट है क्या यस yes. बहुत आसान है ये हमें दिया गया है वैल्यू दी गई है राइट right. हमें वैल्यू दी गई है लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पर हमारे पास दो अलग से साइड दी गई है इसका नाम है बच्चों थ्री ए बार प्लस बी बार एंड क्या नाम है इसका बार प्लस थ्री बी बार इन दोनों को एज एसेंट साइड लेकर हम क्या निकालेंगे Area of parallelogram. तो इसको पहले अंदर कर लेते हैं जैसे बेसिकली करते हैं जैसे करते बेटा हम 3A bar का a bar के साथ multiply करेंगे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सेम वेक्टर क्रॉस सेम वेक्टर इक्वल टू होता है जीरो मतलब ए बार क्रॉस ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो बी बार क्रॉस बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो राइट right? C bar cross C bar की वैल्यू क्या हो जाएगी करेक्ट है क्या यस yes. चलो बहुत बढ़िया तो 3 a bar cross a bar zero हो गया बात खत्म कर दो थ्री ए बार इंटू थ्री बी बार बच्चों थ्री ए बार इंटू थ्री बी बार थ्री थ्री साइन ए बार क्रॉस बी बार फिर बी बार का ए बार के साथ प्लस बी बार क्रॉस ए बार बी बार का थ्री बी बार के साथ जीरो सर b बार का थ्री बी बार के साथ क्या हो जाएगा बच्चों जीरो बराबर है क्या ये थ्री ए बार का मल्टीप्लाई ए बार के साथ सेम वेक्टर हो हो गया तो जाएगा जीरो जीरो बार 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 क्रॉस क्रॉस इक्वल टू टाइम्स ऑफ फिर हमने बी बार का मल्टीप्लाई किया फिर हमने बी बार का मल्टीप्लाई किया बोलो क्या हो जाएगा बी बार का मल्टीप्लाई ए बार के साथ बी बार क्रॉस ए बार फिर बी बार का बी बार के साथ हो जाएगा जीरो सो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास देखो सब लोग नाइन टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार कॉपी किया इस बी बार क्रॉस ए बार को मुझे ए बार क्रॉस बी बार लिखना है तो क्या करेंगे माइनस ए बार क्रॉस बी बार तो नाइन माइनस वन क्या होता है बेटा एट टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार चलो जल्दी बोलो आंसर क्या है यस yes. देखते हैं किसका जवाब आता है देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब देगा बच्चों? वॉट आर यस क्या बोलते बच्चों? जल्दी जल्दी सो so, एट बाहर निकाला ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड है पंद्रह मेरा 120 आ रहा है बाकी लोग का क्या आ रहा है भाई लोग जल्दी बोलो फटाफट फड़। यस हमारा आंसर तो 120 आया भाई बाकी लोग क्या बोलते हैं यस बाकी लोग भी डी ही बोलते हैं सो वन ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर गाइस इज वन ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर यस, चलो बट से इसका दो कुछ लोग ना इसमें परेशान होते थे बट बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और याद रखना ए बार क्रॉस ए बार जीरो होता है बी बार क्रॉस बी बार जीरो होता है सी बार क्रॉस सी बार जीरो होता है चलो अगला सवाल बच्चों द मैग्नीट्यूड तो द स्केलर ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर टू आई प्लस थ्री जे प्लस के ऑन द वेक्टर वाओ ऑन द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स आई प्लस जे प्लस के एंड आई प्लस टू जे प्लस थ्री के देख लो भाई अभी आप ही बोलो मैं क्या करूं बिकॉज ऑलरेडी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं सर तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा एक वेक्टर तो ये है और जिसके ऊपर है मतलब ऑन वो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर है तो मान के चलो इसको बी बार और इसको सी बार बच्चों पहला हमने क्या ले लिया बी बार और दूसरा हमने क्या ले लिया सी बार तो अभी हम क्या निकालेंगे बी बार क्रॉस सी प्लस के, के लिए रोग्या कॉलम गया वन टू जै टू माइनस वन देख लो सब लोग आई के लिए रोग्या कॉलम गया वन थ्री जी माइनस वन टू ज टू जे के लिए गया कॉलम गया वन थ्री जी माइनस वन वन जन प्लस के लिए रोग्या कॉलम गया वन टू ज टू माइनस वन तो फाइनली थ्री माइनस टू इज वन वन इन टू आईज आई थ्री माइनस वन इज टू माइनस टू जे टू माइनस वन इज वन प्लस वन के इज वॉट दिस वन चलो हमारे पास बी बार क्रॉस सी बार आ गया अब हमें क्या निकालना था यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन परपेंडिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी बार वेक्टर सेकेंड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट उसके बाद जिसके ऊपर है उसका मैग्नीट्यूड भी तो बी बार क्रॉस सी बार के ऊपर है तो बी बार क्रॉस सी बार का मैग्निट्यूड चलो जल्दी करते हैं अभी का का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये हमारा A bar है ऐसा चलो यस yes. अब A bar हम करेंगे B bar cross C bar से करेंगे से डॉट बोलो बराबर ना आई को आई के साथ जे को जे के साथ बोलो टू इंटू वन टू थ्री टू माइनस सिक्स वन इंटू वन इज प्लस वन होल डिवाइड बाय मैग्निट्यूड ऑफ किसका B bar cross C bar का बी बार क्रॉस सी बार का बोलो आई के बाजू में वन वन का स्क्वायर वन माइनस टू का स्क्वायर फोर वन का स्कवायर वन फाइनली टू प्लस वन थ्री टू प्लस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा three. हमेशा इस इस आएगा इज चार पांच छूट सिक्स आ गया थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों बिकॉज बता दो मैं कैसे एक बात और हमेशा जो स्केलर प्रोजेक्शन होता है वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए इसलिए हमेशा मैग्नीट्यूड लगा दो तो आंसर आ जाएगा प्लस थ्री अपॉन रूट सिक्स एक काम करो थ्री को लिख दो रूट थ्री इंटू रूट थ्री सही है थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों रूट थ्री इंटू रूट थ्री वाओ सो करेक्ट बच्चे यहाँ पे क्या हो जाए रूट सिक्स रूट थ्री इंटू रूट टू बराबर है क्या यस yes, uh, रूट थ्री इंटू रूट टू एक रूट थ्री रूट थ्री कैंसल स्क् रूट ऑफ थ्री बाय टू बिकॉज रूट थ्री और रूट टू है तो वो क्या हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर हाँ बच्चों जल्दी बोलो क्या बात है बेटा बुक के रिलेटेड जो भी क्वेरी है प्लीज आप uh, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो हमारी टीम आपकी मदद करेगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी लोग प्लीज <clears throat> 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ध्यान देखना सभी लोग 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है देखते इफ ए बार इज इक्वल टू आई माइनस के बी बार इक्वल टू एक्स आई प्लस जे प्लस वन माइनस एक्स इंटू के एंड सी बार इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस वन प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के दें box product of a bar b bar c bar depends on बच्चे किसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको बताना है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हम लोग क्या निकालेंगे बॉक्स प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट निकालने के बाद देखेंगे कि क्या आंसर x मतलब क्या आंसर x के रूप में आ रहा है क्या आंसर y के रूप में आ रहा है क्या आंसर x और y दोनों के रूप में नहीं आ रहा है मतलब नीदर x नॉर y क्या आंसर x और y दोनों में आ रहा है ठीक है देखते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार कैसे आता है सर डिटर्मिनेंट से बस डिटर्मिनेंट के अंदर बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिटर्मिनेंट ही मिलेगा तो आई के बाजू में वन ये मिसिंग तो जीरो के के बाजू में माइनस वन बी बार में एक्स आई जे के बाजू में वन के के बाजू में वन माइनस एक्स आई के बाजू में वाई जे के बाजू में एक्स और के के बाजू में वन प्लस एक्स बस अब इसको सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आंसर मिलता है बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज आपको इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए एंड ट्राई करना चाहिए इसका आंसर में क्या आएगा चलो तो देखते हैं। पहले मैंने वन लिया रो गया कॉलम गया वन इंटू वन इंटू वन प्लस एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस वाई

X, into x x, square. One into y is y. बीच में बराबर है ना? x x, y y. is चलो का मेंल्टीप्लाई कर वही आने वाला है अच्छा एक बात और x minus x तो कैंसिल अंदर भेज दो माइनस एक्स स्क्सो प्लस cancel. minus y plus y. मतलब आंसर क्या रहा है मतलब ये ना ही x के ऊपर है और ना ही y के ऊपर तो x नॉर y. बच्चों नीदर एक्स नॉर वाई क्लियर है क्या यस yes. यस yes, जल्दी बोलो बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर हेलो हेलो Perfect, perfect. So परफेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर तो बहुत बढ़िया बच्चों देखो बहुत बढ़िया हो गया मस्त अगला सवाल करें क्या यस yes. ये क्वेश्चन हमारे कॉलेज के मॉक टेस्ट में बहुत बार आया ओके बेटा देखो ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा दिमाग लाना पड़ता है और कुछ नहीं चलो अगला सवाल चलो ये दो सब लोग ये दो हजार तेईस का क्वेश्चन है बच्चों ये आपके दो हजार तेईस का क्वेश्चन है चलो किसी का आंसर आया क्या देखो जल्दी 2023 में आया क्वेश्चन बच्चों तो क्वेश्चन क्या लिखा है देख लेते एक बार फटाफट इफ ए बार बी बार सी बार बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर सच दैट नो टू ऑफ दे मार कोलिनियर मतलब ये नॉन जीरो वेक्टर्स है बट इसमें से कोई भी दो वेक्टर बच्चों कोलिनियर नहीं है तो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू वन पॉइंट थ्री बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी बार सी बार ए बार

अभी सर कैसे करने का देखो जरा सभी लोग बहुत ध्यान से देखो बिकॉज़ मैं यहां पर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ-साथ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मतलब ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है ध्यान से सुनो a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार प्लीज ध्यान दो सब लोग बच्चों अगर मैं a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार की बात करूंगा तो हमेशा आपके अंदर के गरूंगे? पहले a का c के साथ डॉट तो a डॉट c बार b बार माइनस प्लीज ध्यान दो A का सी के साथ और बी का फिर सी के साथ तो बी बार डॉट सी बार इंटू ए बार ऐसे ही करते हैं ना यस ध्यान बच्चों ऐसे ही करना होता है आप सबसे पहले क्या करोगे ध्यान दो हमेशा बाहर वाले का मल्टीप्लाई दोनों में करना होता है पहले पहले के साथ तो ए बार डॉट सी बार बचा बी बार फिर इसी सी बार का बी बार के साथ होता है बी बार डॉट सी बार इंटू ए बार ये होता है फॉर्मूला बस इस फॉर्मूले को याद रखो बिकॉज मैं ये फॉर्मूला आपको यूज करने वाला हूं लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करूंगा बिकॉज इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है तो बच्चों जरा ध्यान दो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री बी बार का मैग्नीट्यूड सी बार का मैग्नीट्यूड ए सही है अभी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला चलो अप्लाई कर दो फॉर्मूला बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार माइनस बी बार इन बी बार डॉट सी बार इंटू ए बार टू ए बार देख लो सब लोग अब बच्चों कंपेयर करते हैं देखो कंपेयर करने की बात आ गई हमारे पास जरा ध्यान से देखो प्लीज जरा ध्यान देना सब लोग कंपेयर कैसे करेंगे बिकॉज अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे कहा गया ये वाला पट्टा ये पार्ट देख रहे हो बच्चों ये ए बार के बाजू में है और यहाँ पे ए बार के बाजू में कौन है माइनस बी बार डॉट सी बार बोलो क्या है बच्चों माइनस बी बार डॉट सी बार ओके तो देखते हैं जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार के बाजू में वन अपॉइंट थ्री बी बार इंटू सी बार तो लिखते हैं बी बार बार का का सी और हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी बार डॉट सी बार चलो ध्यान बच्चों यहां पे मैंने कंपेयर किया हुआ है होप सबको समझ में आ गया होगा कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार फिर बी बार डॉट सी बार इंटू ए बार तो हमारा वैल्यू ये आ गया अब हमने क्या देखा यहाँ पे बी बार वाला बंदा है यहाँ पे ए बार के बाजू में क्या नंबर आपने उसको कंपेयर किया बिकॉज बी बार ने तो मिसिंग करके जीरो कर सकते हैं कोई बात नहीं दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट कंपेयर किया कंपेयर करने के बाद मुझे ये मिल गया अब बार बार इक्वल टू माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू सी बार का मैग्नीट्यूड इंटू बी और सी के बीच का एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हमने क्या अप्लाई किया बच्चों डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अब देखो बी बार सी बार बी बार सी बार कैंसल माइनस यहां भेज दो माइनस वन पॉइंट थ्री इज इक्वल टू कॉस थीटा चलो हमारे पास कॉस आ गया बट हमें तो निकालना है साइन सर साइन थीटा का फॉर्म लगासक्स बचपन में हमने सीखा था व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों वन माइनस थीटा बोलो कॉस की वैल्यू यहां पे क्या है माइनस वन पॉइंट थ्री माइनस वन पॉइंट थ्री का स्क्वायर करेंगे प्लस वन पॉइंट नाइन नाइन वन जा नाइन माइनस वन एट अपॉन नाइन चलो टेकिंग स्क्वायर रूट बोलो एट का स्क्वायर रूट लेंगे. कैसे आएगा फोर टू जै एट एट कॉम्पलिक्स थे फोर टू झा बच्चों बच्चो फोर का स्क्वायर रूट टू और टू का नहीं पता रूट टू नाइन का हो जाएगा थ्री सो टू रूट टू अपॉन थ्री ए ऑप्शन दिया है बच्चों ए ऑप्शन दिया है हमें यस हेलो 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 जल्दी से आंसर दे दो भाई ए इज द करेक्ट आंसर यस 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 ए इज द करेक्ट आंसर परफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <clears throat> क्या बात है वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चों